तो नमस्कार दोस्तों, ये DGFT का वेबसाइट है DGFT.gov.in। यहाँ पर ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से पावर दिया गया इनको, ताकि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना सके और प्लस हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। इसी में DGFT को यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री को पावर है कि दे कैन रेगुलेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर ये नोटिफिकेशंस कुछ देखते हैं। तो जिसमें एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया जहां पर टीवी, चाहे एलईडी हो या एलसीडी हो, और इसको अगर मैं पढ़ता हूं आपके साथ ताकि आपको पता भी लगे। नोटिफिकेशन नंबर 22/2015/2020 और डेट है 30 जुलाई 2020। और इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, ये एक्जिम कोड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड। बेसिकली ये वही कोड है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 6 डिजिट अडॉप्ट किए हैं, हमने 8 डिजिट अडॉप्ट किए हैं। इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी ITC, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम भी कहते हैं। और इसको सेक्शन 3 ऑफ FTDR एक्ट 1992, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से, और इसी से पावर बिना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का, इसको अमेंड किया गया। और क्या अमेंड किया गया, इंपोर्ट पॉलिसी या एक्सपोर्ट पॉलिसी? इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ आइटम्स अंडर एक्जिम कोड दिस ऑफ चैप्टर 85। इंपोर्ट पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे। एक तो प्रोहिबिटेड, जिसको आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड अगर लिखा हुआ है तो लाइसेंस के बेसिस पे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। फ्री लिखा हुआ है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। और एक आता है STE, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, यानी कि गवर्नमेंट ओन ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस से ही वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। तो यहां पर जितने भी तरह के LED हैं, चाहे एनी साइजेस, वो सारे साइजेस कवर्ड है। और LCD बिलो 63 सेंटीमीटर एंड अदर्स, सारा ही लिख दिया। इनफैक्ट पहले प्रेजेंट पॉलिसी फ्री थी, यानी कि लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, अब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। इट मीन्स यू रिक्वायर द लाइसेंस। नाउ इफ यू रिक्वायर द लाइसेंस देन, तो ये लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? DGFT के जो रीजनल ऑफिसेस हैं, जहां पर आपका ऑफिस है वहीं पर उसका रीजनल ऑफिस आपको ढूंढना होगा, वो कौन सा है, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट और एक पॉलिसी, मतलब ये नोटिफिकेशन लेके आएगी, जहां पर वो लाइसेंस, वो नंबर्स प्रिस्क्राइब करेगी, कितना टीवी हम इंपोर्ट करने देंगे। मान लीजिए नंबर प्रिस्क्राइब है 20 लाख टीवी हम इंपोर्ट करने देंगे, तो वो 20 लाख, जब वो नंबर आ गया, अब वो पूरे लाइसेंस जब देने लगेगी तो मे बी उसमें कुछ रैशनिंग करेंगे कि इसको 1 लाख टीवी इंपोर्ट कर सकता है, कोई 2 लाख टीवी इंपोर्ट कर सकता है। दैट विल बी अलग, वो अलग नोटिफिकेशन आएगा। तो ये इस तरह से, तो ये इंपोर्ट के लिए। तो एक्सपोर्ट अगर आप टीवी करना चाहते हैं तो फ्रीली एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट में अब रिस्ट्रिक्टेड है। इट मीन्स यू नीड ए लाइसेंस। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर किसी को लाइसेंस चाहिए तो उसको लाइसेंस दिलवाने के लिए यू कैन चार्ज ए फीस। इसके बाद उसी तरह से एक और आया, अमेंडमेंट इन एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मास्क। अब अगर आप इसको देखेंगे, ये एक्सपोर्ट पॉलिसी है जहां पर प्रोहिबिटेड लिख दिया है। इट मींस दैट आप उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड में तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट यू नीड ए लाइसेंस। बट दीज मटेरियल्स आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन्स यू कैनॉट एक्सपोर्ट। इसके बाद इन्होंने और एक नोटिफिकेशन लेके आए थे, ये वाला 21/28 जुलाई को। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अगेन प्रोहिबिटेड, एक्सपोर्ट ही नहीं होगा। ये मेडिकल कवर ऑल्स फॉर COVID-19 रिस्ट्रिक्टेड है। अब जैसे रिस्ट्रिक्टेड लिखा तो लाइसेंस है, और उन्होंने लिखा मंथली एक्सपोर्ट कोटा ऑफ 50 लाख यूनिट्स ऑफ मेडिकल कवर ऑल्स ऑफ फॉर COVID-19, ये एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन नंबर दे दिया। अब लाइसेंस में देने के लिए राशनिंग होगी। मेडिकल गोगल्स रिस्ट्रिक्टेड, ऑल मास्क अदर देन दिस 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 प्रोहिबिटेड, और 2-3 प्लाई सर्जिकल मास्क, ये रिस्ट्रिक्टेड में आ गया। यानी कि लाइसेंस 4 करोड़ एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से है ये। तो ये टाइम टू टाइम आप DGFT के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिलता रहेगा, ये है। तो मैं टाइम टू टाइम DGFT के वेबसाइट से रिलेटेड जो भी होगा, मुझे अगर लगता है कि कुछ रिकॉर्ड करना, तो मैं करूंगा जरूर।
और प्लस हमारी जो कस्टम की लाइव क्लासेस चल रही है वो आप जरूर देख सकते हैं। और या फिर लाइव क्लासेस नहीं देखना है आपको और आपको रिकॉर्डेड क्लास देखना है तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आईसी का रजिस्ट्रेशन का इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया था, तो आईसी का रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट वो सारा फेसलेस हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट तो यहाँ किया था, अगर मैं दिखाऊँ ट्रेड नोटिस 25 जून, लॉन्च ऑफ न्यू डीजीएफटी प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ आईसी रिलेटेड सर्विसेज। तो बस फेसलेस ही है और कुछ खास बात नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर आधार बेस्ड ई साइन विल बी रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड मॉडिफाइंग आईसी और एडिंग और अपडेटिंग आईसी लिंक्ड यूजर्स। पहले पैन बेस्ड था, अब ये आधार बेस्ड भी हो गया है। सो थैंक यू सो मच, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा अगर आपको स्पेसिफिकली डीजीएफटी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो। थैंक यू, बाय बाय।